नाश्ता पानी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको आंवला का अचार बनाना दिखा रहे हैं। हमने इस आंवले को 10 मिनट तक उबाल लिया है और उबाल कर अब इसका हम ऐसे पीस करके बीज को निकाल देंगे। बहुत आसानी से निकल जाता है, देखिए ऐसे इसी कपड़े पे डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें 10 मिनट तक धूप लग जाए। ये देखिए इस तरीके से हम निकाल लेंगे, बहुत आसानी से निकल जाता है। ये बीज निकल गया थोड़ा सा ऐसे हल्का सा प्रेशर देके, बस पीछे से ऐसे हल्का सा प्रेशर देंगे, अपने आप बीज बाहर आ जाता। हमने आंवले के सारे पीस को अलग कर दिए हैं और इसी तरह धूप में थोड़ा सा सूखने के लिए डाल दिए हैं। इसका थोड़ा सा पानी हल्का सा सूख जाएगा, 15-20 मिनट धूप लग जाएगी हवा, फिर हम इसको आपको मिक्स करके दिखाएंगे। हमने आंवले के अचार के लिए इतना हरी मिर्च काट लिया है और इतना लहसुन को दो दो भाग कर दिया है काट के। आप चाहें तो कम और ज्यादा भी मिला सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार, जैसा तीखा खाएं। आंवला का अचार बनाने के लिए हमको जिन मसालों की ज़रूरत है उसमें है पचफोरन का मसाला। पचफोरन की वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही है, तो अगर आपको नहीं पता है पचफोरन क्या आता है तो आप उसे देख सकते हैं। अजवाइन, खड़ी, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, सौंफ का पाउडर, गरम मसाला और पिसी हुई सरसों, जो कि येलो वाली सरसों होती है उसको हमने पीस के रखा है। साथ ही साथ इसमें हम थोड़ा सा हींग भी डालेंगे। अब हमारा आंवला सूख गया है, अब इसमें हम मसाले को मिलाने जा रहे हैं आपके सामने ही। देखिए इसमें हम पहले मिलाएंगे कटी हरी मिर्च, कटा लहसुन, इसमें मिलाएंगे हम 2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा स्पून अजवाइन, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 गरम मसाला, 1/2 गरा पिसा हुआ सरसों पाउडर, 1/4 सौंफ, ये है पचफोरन का मसाला, हींग। स्वाद अनुसार नमक, सरसों का तेल, और इसमें तड़का दिया हुआ ये है पचफोरन का, खड़ा पचफोरन। आप डाल भी सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, हम लोगों को अच्छा लगता है इसलिए हम डाल रहे हैं। अच्छे से इसको हम जार में
भर देंगे। ये अचार हमारा बनकर तैयार है, विटामिन सी से भरपूर। बनाकर खाइएगा जरूर। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय।